आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, सो लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। क्या दिया है? फॉर डिफरेंट कैपिलरीज ऑफ रेडियस आर, द कंडीशन ऑफ लिक्विड राइज एच अबव द लिक्विड सरफेस इज। तो गाइस, आर और एच में क्या रिलेशन होगा अगर हम डिफरेंट ट्यूब की बात करते हैं, कैपिलरी राइज की बात करते हैं। तो गाइज, अगर हम बात करें किसी भी, अगर हम ट्यूब की बात करते हैं कि सपोज हमने एक ट्यूब कंसिडर किया, इस ट्यूब की अगर हमने रेडियस आर कंसिडर की, दिस इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज आर। तो गाइज हो क्या रहा है, अगर हम यहाँ पे कैपिलरी राइज की बात करते हैं कि कितना कैपिलरी राइज हुआ, तो अगर हम कैपिलरी राइज एच कंसिडर करते हैं, कैपिलरी राइज कितना कंसिडर किए, डेट इज द एच, ओके। और रेडियस कितनी है, रेडियस है हमारे पास आर। तो गाइज इस केस में अगर हम बात करते हैं कैपिलरी राइज का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, एच इक्वल टू टू टी कोस थीटा अपान आर रो जी। अब यहाँ पे टर्म को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टी हमारा क्या है, सरफेस टेंशन, थीटा हमारा कॉन्टेक्ट एंगल है, और आर होती है हमारी रेडियस, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो गाइज हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि अगर बाकी पैरामीटर्स को हम कॉन्स्टेंट कंसिडर करें, डेट एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सो वी कैन से कि एच और आर का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टेंट होने वाला है, मतलब कैपिलरी राइज और जो रेडियस ऑफ द ट्यूब है इनका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होने वाला है। इसका मतलब अगर कैपिलरी राइज इंक्रीज होगी तो रेडियस ऑफ ट्यूब डिक्रीज होनी चाहिए। सो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को चेक करें तो हम बोल सकते हैं कि एच इंटू आर का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है, डेट ऑप्शन डी इज द करेक्ट, एच इंटू आर डेट विल इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।